हेलो स्टूडेंट्स, आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के यूनिट 1 में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, फैक्स मशीन और स्पीकर के बारे में। तो लेट्स बिगिन। इनके साथ साथ और कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, थोड़ा सा हम प्रिंटर की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, फिर इंकजेट प्रिंटर के बारे में, लेज़र प्रिंटर, फैक्स मशीन और स्पीकर। ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, हाइलाइट्स रहेंगी जिनके बारे में हमने पढ़ना है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रिंटर्स के बारे में बता देता हूँ। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको प्रिंटर की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ी सी। अ प्रिंटर इज़ एन एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड जनरेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक टेक्स्ट ऑन ए पेपर। प्रिंटर क्या करते हैं, कंप्यूटर से डाटा लेते हैं और उसको ग्राफिक और टेक्स्ट फॉर्मेट में पेपर के ऊपर प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंटर से जो आउटपुट जनरेट होती है पेपर के ऊपर उसको बोलते हैं हम हार्ड कॉपी। बेसिकली प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इन दिस हैमर्स और पिन स्ट्राइक अगेंस्ट ए रिबन एंड पेपर टू प्रिंट दी टेक्स्ट। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो का हमारा मेन टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इट यूज नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी सच एज इंकजेट और लेज़र टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। इसके एग्जांपल कौन से हैं हमारे पास, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन कौन से टाइप्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, पेज प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर। पेज प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंट होल पेज एट वंस। इसका एग्जाम्पल है लेज़र प्रिंटर, इट्स आल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर। और करेक्टर प्रिंटर क्या होता है, ये करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंट करता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। अब आता है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इट यूजेस नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी सच एज इंकजेट और लेज़र टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। इसके एग्जाम्पल हैं लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। इनके इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में एडवांटेज हैं हमारे पास कि ये फास्ट होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में, और इनकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो हाई होती है इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के क्या डिसएडवांटेज होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में, कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होती हैं उनके कंपैरिजन में। अब हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का लेज़र प्रिंटर। तो सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट, ही साथ में मैंने लेज़र प्रिंटर की डायग्राम अटैच की हुई है। लेज़र बीम इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन टू पेपर। इसमें क्या होता है, जो पेपर के ऊपर आपके टेक्स्ट का इम्प्रेशन क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है, लेज़र बीम यूज़ होता है। दीज आर आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर बिकॉज दे प्रिंट वन पेज एट ए टाइम। लेज़र प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं एक सिंगल टाइम, तब हम इसको क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ लेज़र प्रिंटर। तो क्या है लेज़र प्रिंटर के एडवांटेज, हाई स्पीड, इट कैन प्रिंट अराउंड 30 पेजेस इन ए 1 मिनट। इसकी स्पीड बड़ी हाई होती है, प्रिंटिंग 30 पेजेस प्रिंट कर देता है लगभग 1 मिनट में। दे आर क्वाइट वाइल वर्किंग एंड बेयरली एमिट एनी साउंड। ये साउंड जनरेट नहीं करते हैं, जैसे हमारे इंकजेट प्रिंटर होता है या फिर हमारे बाकी प्रिंटर्स होते हैं वो साउंड जनरेट करते हैं, बट लेज़र प्रिंटर है वो आपके साउंड जनरेट नहीं करते हैं, काफ़ी क्वाइट होते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज़ वेरी गुड, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पर पेज इज़ लो एज़ कम्पेयर इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के कंपैरिजन में कॉस्ट क्या होती है, इसमें प्रिंटिंग की लो होती है। गुड फॉर हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग, ये अगर हमने बल्क में प्रिंटिंग करनी है, जैसे पूरी बुक की बुक प्रिंट करनी है, या जैसे शॉप्स में जो रखे होते हैं प्रिंटर वो क्या होते हैं, लेज़र प्रिंटर होते हैं, जहाँ पे बल्क में प्रिंटिंग होती है, जहाँ पे हाई वॉल्यूम में प्रिंटिंग होती है। और इनका एक और एडवांटेज है लॉन्ग लाइफ। अब आते हैं हमारे डिसएडवांटेज ऑफ लेज़र प्रिंटर। क्या है इसके डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगा होता है। द कॉस्ट ऑफ टोनर रिप्लेसमेंट एंड ड्रम रिप्लेसमेंट इज़ हाई। इसकी जो टोनर रिप्लेसमेंट की और ड्रम रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है वो भी हाई होती है। टोनर इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। दे आर बल्कियर देन इंकजेट प्रिंटर, इनका साइज़ भी बड़ा होता है इंकजेट प्रिंटर के कंपैरिजन में। दे नीड टाइम टू वार्म अप बिफोर स्टार्टिंग, प्रिंटिंग शुरू करने से पहले इनको वार्म अप होना पड़ता है, तो ये भी एक इनका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंकजेट प्रिंटर। दीज आर दी कैरेक्टर प्रिंटर, इट हैज प्रिंट हेड विद टाइनी नोजल्स दैट स्प्रे आयनाइज टाइनी ड्रॉप ऑफ इंक ऑन टू ए पेज टू क्रिएट एन इमेज। ये करेक्टर प्रिंटर होता है, 1 by 1 करेक्टर प्रिंट करता है। इट प्रिंट करेक्टर बाई स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन टू पेपर, ये स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक को स्प्रे करता है पेपर के ऊपर करेक्टर बाई करेक्टर। द डॉट्स आर पोजिशन वेरी प्रिसाइजली विद रेजोल्यूशन ऑफ अप टू 1440 × 720 डॉट्स पर इंच। 1440 × 720 डॉट्स पर इंच के रेजोल्यूशन से ये प्रिंट करता है डॉट्स को। ऑलमोस्ट ऑल इंकजेट ऑफर ए कलर ऑप्शन एज स्टैंडर्ड एंड कैन ऑल्सो बी यूज एज ए रेगुलर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। वैसे तो जो हमारे इंकजेट प्रिंटर हैं वो कलर प्रिंटिंग को सपोर्ट करते हैं जो कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, बट हम इनको जो रेगुलर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होता है उसकी तरह भी यूज़ कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ऑफिसेज में या घरों पे हम इसको ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर। कॉस्ट ऑफ प्रिंटर इज़ लो, लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट लो होती है। कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग विविड कलर इमेजेस, ये कलर इमेजेस को प्रिंट करने के लिए कैपेबल है। जैसे आपने कोई प्रिंट आउट लेना है फोटोग्राफी का, जो भी आपने इमेज क्लिक की हुई है चाहे फ़ोन से चाहे डिजिटल कैमरा से, तो उनके लिए ये कैपेबल है। ईजी टू यूज़ विदाउट एनी प्रायर ट्रेनिंग, दे आर क्वाइटर देन डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर के कंपेरिजन में ये क्या होते हैं, क्वाइटर होते हैं, इनकी आवाज़ कम करते हैं। नो वार्म अप टाइम इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रिंटिंग, आप डायरेक्टली प्रिंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर। स्लो कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंट होते हैं और लेज़र प्रिंटर में क्या होता है होल पेज एट वंस प्रिंट हो जाता है। तो ओब्वियसली अगर पेज इकट्ठे प्रिंट होगा तो वो क्या होगा, फास्ट होगा, और करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंट होगा तो दो थोड़ा वो स्लो होगा। प्रिंटिंग स्पीड इज लो बिकॉज ईच डॉट इज इंडिविजुअली प्रिंटेड, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। दे आर नॉइसी ड्यू टू स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी नॉइस नहीं करता है, नॉइस करता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर के कंपैरिजन में कम करता है। क्यों करता है नॉइस, क्योंकि इसका स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है प्रिंट करने के लिए। तो ये थे डिसएडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या होती है, इसकी मैंने डायग्राम अटैच की हुई है। अब हम इसका डेफिनेशन और एडवांटेज और डिसएडवांटेज अभी पढ़ेंगे। फैक्स मशीन, ये इमेज देख लीजिए आप पहले, इसमें कुछ बटन रहेंगे, फ़ोन अटैच रहेगा, पेपर अटैच करने के लिए जगह होगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी आपने मैसेज सेंड करना है, जो भी आपने प्रिंट कॉपी सेंड करनी है किसी दूसरी लोकेशन को, वो आप यहाँ से इसको इनपुट करेंगे और इसको स्कैन करके ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे एंड पे। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फैक्स मशीन इज ए डिवाइस दैट सेंड एंड रिसीव्स प्रिंटेड पेजेस और इमेजेस ओवर टेलीफोन लाइन बाय डिजिटाइजिंग द मटेरियल विद एन इंटरनल ऑप्टिकल स्कैनर एंड ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये क्या करती है, स्कैन करती है इमेजेस को और उनको ट्रांसफ़र कर देती है दूसरे एंड। द ट्रांसमिशन इट सेंड आर कॉल्ड फैक्सेस, जो ट्रांसमिशन फैक्स मशीन करती है या रिसीव करती है या सेंड करती है उनको बोलते हैं हम फैक्सेस। एंड दीज कैन बी सेंड बिटवीन टू फैक्स मशीन और बिटवीन फैक्स मशीन एंड कंप्यूटर। इट इज़ बेसिकली यूज टू ट्रांसमिट डॉक्यूमेंट बिटवीन लोकेशन, ये बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए एक लोकेशन से दूसरी जगह पे। द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दीज आर द बिजनेस डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर इसका यूज़ होता है वो बिजनेस डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं। जैसे ऑफिसेज में एक जगह का मैसेज दूसरी जगह कोई लेटर भेजना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके एडवांटेज। इनएक्सपेंसिव, सेंडिंग ए मैसेज जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ए टेलीफोन कॉल, ये इनएक्सपेंसिव होता है। दे आर सिंपल टू यूज़ एंड रिक्वायर वेरी लिटिल ट्रेनिंग। अगर आपने फैक्स मशीन से मैसेज सेंड करने हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और रिसीव करने हैं, तो आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज ए फैक्स मशीन इज स्विच्ड ऑन, मैसेज कैन रिसीव एट एनी टाइम डे और नाइट। अगर आपकी फैक्स मशीन ऑन है तो आपका मैसेज कभी भी रिसीव हो सकता है, डे के टाइम में भी, रात के टाइम में भी। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फैक्स मशीन। यू माइट डायल द रॉन्ग नंबर एंड सेंड योर डॉक्यूमेंट टू समवन एल्स। ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी रॉन्ग नंबर पे डॉक्यूमेंट सेंड कर दें तो इसको उसका आपको कन्फर्मेशन मैसेज नहीं आएगा दूसरी तरफ से। इफ़ द रिसीविंग मशीन इज़ बिजी योर फैक्स विल नॉट बी डिलीवर। अगर रिसीविंग एंड पे जो फैक्स मशीन है वो बिज़ी है तो आपका फैक्स जो होगा वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। इट कैन टेक ए लॉन्ग टाइम टू ट्रांसमिट इफ़ यू हैव मैनी शीट ऑफ पेपर्स। अगर आपने बड़े ज़्यादा डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने हैं तो क्या होगा, आपका बड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ये थे डिसएडवांटेज ऑफ फैक्स मशीन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीकर्स। स्पीकर्स के बारे में हम सभी जानते हैं, हमारे घरों में भी यूज़ होते हैं, ऑफिसर्स में भी यूज़ होते हैं, फंक्शन में भी यूज़ होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के स्पीकर की मैंने इमेज भी अटैच की हुई है, डेफिनेशन पार्ट कवर करेंगे हम। स्पीकर्स आर एन आउटपुट डिवाइस, दे रिसीव ऑडियो इनपुट फ्रॉम द कंप्यूटर साउंड कार्ड एंड प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। ये कंप्यूटर के साउंड कार्ड से इनपुट लेता है और उसको उस ऑडियो को आउटपुट कर देता है साउंड वेव के फॉर्मेट में। इट इज़ यूज टू लिसन साउंड फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर से साउंड अगर लिसन करनी है, सुननी है आपने, तो भी आपका स्पीकर यूज़ होगा। स्पीकर यूजुअली कम इन पेयर्स। जो स्पीकर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, पेयर्स में आते हैं, विच अलाउ देम टू प्रोड्यूस स्टीरियो साउंड फ्रॉम टू सेपरेट ऑडियो चैनल, जो कि दो डिफरेंट चैनल से ऑडियो को आउटपुट करते हैं। स्पीकर आर इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। स्पीकर के कोई फिक्स शेप नहीं है, ये डिफरेंट शेप और साइजेस में अवेलेबल है मार्केट में। सम स्पीकर हैव इक्वलाइजेशन फीचर सच एज बास एंड ट्रैवल कंट्रोल। अब पढ़ेंगे हम एडवांटेज ऑफ स्पीकर्स। दे हेल्प ब्लाइंड पीपल, साउंड एम्पलीफिकेशन, वेरी सिंपल टू ऑपरेट। तो ये थे एडवांटेज ऑफ स्पीकर। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ स्पीकर। द आउटपुट फ्रॉम स्पीकर कैन डिस्टर्ब अदर। स्पीकर की जो आउटपुट है वो अदर्स को डिस्टर्ब कर सकती है। हाई क्वालिटी स्पीकर आर एक्सपेंसिव। अब हम क्विक रिव्यू करेंगे डायग्राम फॉर्मेट में जो भी आपने आज पढ़ा है, ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर की डेफिनेशन, ए प्रिंटर इज़ एन एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस दैट टेक डाटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड जनरेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक टेक्स्ट ऑन ए पेपर। प्रिंटर आउटपुट इज़ कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। दो तरह के प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में क्या होता है, हमारा हैमर और पिन स्ट्राइक अगेंस्ट ए रिबन एंड पेपर टू प्रिंट द टेक्स्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, लो कॉस्ट होती है इनकी, बट क्या होते हैं, वेरी नॉइसी होते हैं। दो कैटेगरी होती हैं इनकी, कैरेक्टर प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। आगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर में क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ डॉट एंड हेड कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स। और ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ड्रम विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर, दोज आर प्रिंटेड ऑन दी ड्रम। जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, वाइडली यूज होता है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्लो होता है और लो क्वालिटी की प्रिंटिंग करता है। जो ड्रम प्रिंटर होता है वो क्या होता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर के कंपैरिजन में फास्ट होता है, बट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें फ़ॉन्ट नहीं चेंज होता है, जो भी ड्रम के ऊपर कैरेक्टर बने हुए हैं वो फ़ॉन्ट फिक्स रहता है। अब हमारा आता है जो आज का मेन टॉपिक है, वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट यूज़ नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी सच एज इंकजेट और लेज़र टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। फास्ट होता है इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में, हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग करता है, बट क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव होता है। इसके दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, पेज प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। पेज प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंट होल पेज एट ए वंस, जिसका एग्जांपल है लेज़र प्रिंटर, और कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जिसका एग्जांपल है इंकजेट प्रिंटर। लेज़र में क्या होता है, लेज़र बीम इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन टू पेपर, हाई स्पीड होती है, सपोर्ट मैनी फॉन्ट, एक्सपेंसिव होता है। इंकजेट में क्या होता है, इट प्रिंट कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन टू पेपर, हाई क्वालिटी होती है, स्लो कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर। तो ये था प्रिंटर के बारे में। अब दूसरा टॉपिक जो आज हमने पढ़ा वो था फैक्स मशीन। फैक्स मशीन इज ए डिवाइस दैट सेंड्स एंड रिसीव प्रिंटेड पेजेस और इमेजेस ओवर ए टेलीफोन लाइन। अब इसकी एडवांटेज, ये इनएक्सपेंसिव था, सिंपल टू यूज़ था और हम इसको एट एनी टाइम। डिसएडवांटेज है कि हम यू माइट डायल द रॉन्ग नंबर, फैक्स विल नॉट डिलीवर। अगर हमारी फैक्स मशीन बिजी होगी तो दूसरे एंड पे फैक्स डिलीवर नहीं हो पाएगा, और अगर हमारे मल्टीपल पेजेस हैं तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज पढ़ा था वो है स्पीकर्स। स्पीकर की डेफिनेशन, स्पीकर्स आर एन आउटपुट डिवाइस, दे रिसीव ऑडियो इनपुट फ्रॉम कंप्यूटर साउंड कार्ड and produce audio output in the form of sound wave. It is used to listen sound from computer. क्या advantage है इसके? They help blind people, sound amplification, very simple to use। और disadvantage क्या है? The output from speaker can disturb other high quality speaker are expensive। तो ये तीन टॉपिक आपने पढ़े। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे इन ग्राफिकल फॉर्मेट में सारी चीज़ें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस magicinfosynopsis@gmail.com। थैंक्स।